इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कबहु उच्छंग कबहु बर पलना पलने में माँ तो दुलारी कही प्रिय ललना रमा थोड़ा इसको देखिए भगवान का स्वरूप क्या है। आदियंत को जा सुन मति अनुमान निगम बस भगवान का न ओर है न छोर है कोई पता नहीं पाया। आकाशवत विस्तार है समुद्र के जल जैसा अजस्र स्रोत है प्रभु का, पवन देव जैसी व्याप्ति है, कहां नहीं है सब जगह। इनमें भी अंदर कुछ है, उसका नाम है तन्मात्रा। ये प्रभु एक बार स्वरूप दर्शन करिए। बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई है पता किसी को नहीं है। वो प्रभु व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत Thank you.
जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र जिसकी उपस्थिति है, आदि इंद्र से जो हीन है, व्यापक है, सत रज तम तीनों गुणों से परे कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा इन तीनों से परे। देखिए, सत रज तम जो तीनों से परे है वही पूज्य है। अब बहुत कह दूंगा तो कई लोग चले जाएंगे उठ के, इसलिए बंधे बधाए कह देता हूं। सत रज तम से जिसका स्वरूप आया है वो सत रज तम अर्थात इसी प्रकृति में लीन होगा। जड़ प्रकृति से जिसका जन्म हुआ है उसको जड़ प्रकृति में ही लीन होना है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई हो। जड़ प्रकृति दिखती है, है, जो जहां है वो वही है, ये व्यापक नहीं है। यहां का यही रहेगी, वो परमात्मा चैतन्य है, वो यहां भी है और जहां हम आप नहीं है वहां भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, चैतन्य यहां इतना है, वहां उतना है, वहां उतना है, इतना है, समान रूप से परमात्मा सर्वव्यापक। निर्गुण है, विगत विनोद उनके बारे में कहा भी नहीं जा सकता है। नेत कहीं भेद, वो परमात्मा प्रेमा भक्ति के कारण मेरी अम्बा कौशल्या जी की गोद में आ सोवज प्रेम भक्ति चाहे तो पिछले को मिट्टी डालकर और वर्तमान को दिव्यत्व प्रदान कर सकता है। कई लोग बड़ा विकट जीवन रहा होगा युवावस्था में, परंतु धीरे धीरे श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन संभलता संभलता संभलता, आहा नहीं चाहेगा वो नहीं संभलेगा। संभल तो किसी अवस्था में सकते हैं हम, परमात्मा के श्री चरणों में प्रीत की दृढ़ता, ये संभलने से आप निश्चित मानिए परमात्मा के चरणों का अनुराग ही हमारा वर्तमान भी संभालेगा और प्रारब्ध भी दिव्य बनाएगा। सब देख रहे हैं कि कौन देखेगा, कौन नहीं देख रहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने किया कर्म वो जा जा उसका घर देखो। कौरव ने क्या छोड़ा, पांडवों के साथ केवल माथी परमात्मा थे। महाभारत के अंतिम पृष्ठ पर लिखा है, छह खंड में है, सत्यमेव जयते,
पाए चाहे जो लिख लो। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी विग्रहवान धर्म लीला पुरुषोत्तम भगवान की लीला दर्शन करने के लिए, लीला करने के लिए नहीं है, दर्शन करने के लिए लीला दर्शन की जाए, लीला की ना जाए नहीं तो जेल, लीला न की जाए, कथा सुनी जाए, समझी जाए, गुनी जाए, रही जाए, लीला दर्शन की जाए, लीला दर्शन। भगवान शंभु ने, शिव जी ने, भोलेनाथ ने, श्रीहर ने भगवान को दंडकारण्य में देकर जोर जय सच्चिदानंद जग पावन, बस कही चले मनोजन सामन, सभी सोदे लीला में पट बनूंगी। आई गई रामलीला, फिर तो बाबा का त्याग स्वीकार करना पड़ा। लीला दर्शन की जाए, कथा श्रवण की जाए, धाम सेवन किया जाए और नाम का स्मरण किया जाए। लीला दर्शन की जाए, उमेश लीला दर्शन की जाए, नाम का सेवन किया जाए, वास किया जाए, नाम स्मरण किया जाए और गुण समूहों का श्रवण किया जाए। मानव जीवन कितनी भिन्नता है, भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वो क्यों किया, तो तुमसे पूछ करेंगे क्या? भगवान स्वतंत्र है, नारद जी ने कहा नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव, भई मन ही करो तुम भले, मन मन दही भर करे विस्मय हर्षन ही कर्म सुभा सुभ तुम, कोई कर्म नहीं बांधते, भगवान लोग का मन होता ही नहीं है। जानना है क्या कथा है, इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।